रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः। द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें पांच खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंश्चित वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किञ्चिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। एतस्मिन् अन्तरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। सौच यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, नौच बहिरागता। श्रीगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत् किं करवाणि। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुमारब्धः, भो बिल भो बिल, किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्यातः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं माम् न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, परन्तु मद्भयात् न किञ्चित् वदति। अथवा साद्विदम् उच्यते, भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। भयसंत्रस्तमनसां हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। तदहम् अस्य आह्वानं करोमि। एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा श्रीगालस्य आह्वानमकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रीगालम् आह्वयत्। अनेन अन्येऽपि पशवः भयभीताः अभवन्। श्रीगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्, अनागतं यः कुरुते सशोभते, सशोच्यते यो न करोत्यनागतम्। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। शब्दार्थः।
कस्मिंश्चित कस्मिंश्चित किसी वन में, कस्मिंश्चित किसी, क्षुधार्तः क्षुधा आर्तः भूख से व्याकुल, अंतरे बीच में, निगुड़ो भूत्वा छिपकर, सिंह पद पद्धति ही शेर के पैरों के चिन्ह, रवह शब्द आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, समयः शर्त, बाह्यतः बाहर से, यदि तरही अगर तो, तत्श्रुत्वा तत्श्रुत्वा वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, हस्तपादादिकाह हस्तपाद आदिकाह हाथ पैर आदि से संबंधित, वे पथुः कंपन भोज्यम भोजन योग्य, सहसा एकाएक अनागतम आने वाले को, शोच्यते चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते वे का के की जरा बुढ़ापा, कुरुते करोति निराकरण करता है, बिलस्य बिल का उच्चारणम कुरुता, कस्मिंश्चित विचिन्त्य साध्विदम क्षुधार्तः एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम सिंहपद पद्धति समाह्वानम प्रतिध्वनि।